In this video, we are going to talk about those things which you are knowingly or unknowingly doing wrong to exam preparations. Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Poonam and now let's just start with the video. So first mistake is, उनके लिए जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, एक काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कमिट करते हैं मिस्टेक, बिकॉज मैं भी करती थी. ओके, सो ये मिस्टेक जो है वो है, रिकॉर्डेड या फिर ऑनलाइन क्लासेस को आप स्पीड इंक्रीज करके देखते हैं. यस, ये एक मिस्टेक है. आपको नहीं पता चलता है कि आप मिस्टेक कमिट कर रहे हैं. इसका ड्रॉबैक आपको बाद में रियलाइज होता है. क्लासेस का स्पीड इंक्रीज करके आप सोचते हैं कि क्लासेस को आप जल्दी खत्म कर लेंगे. 1x, 2x की स्पीड पे आप क्लासेस को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो. बट ये करना बहुत ही गलत है. इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ों को एक साथ इतनी जल्दी अब्जॉर्ब कैसे करेगा. कंसेप्ट्स को माइंड को स्टोर करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है. नई इन्फॉर्मेशन जो हमें पास ऑन होती है थ्रू क्लासेस, उसको प्रोसेस करने में हमारे माइंड को थोड़ा टाइम चाहिए होता है. तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो क्लासेस को स्पीड ना इंक्रीज करें, उसको नॉर्मल स्पीड पे देखें, या अगर ज्यादा से ज्यादा आप उसको 1.1 की स्पीड पे देखें, इससे ज्यादा स्पीड पे ना देखें. अभी तो आप क्लासेस देख लेंगे, टाइम से खत्म कर लेंगे, लेकिन बाद में जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको दोबारा से क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी. फिर देखिए, जहाँ पे वहाँ पे टाइम जितना आपने सेव किया था वहीं उतना टाइम वहाँ पे लग जाएगा. इससे बेटर है कि एक ही बार में इसको नॉर्मल टाइम में, जितना नॉर्मल स्पीड है वीडियो का, उसी में देखें आप इसको, और अच्छे से जिसे नॉर्मल क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उसे वैसे ही अटेंड करें. ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो क्लासेस मिल गया या रिकॉर्डेड क्लासेस है तो आपको मौका मिल गया इस क्लासेस को जल्दी कंप्लीट करने का. उसे उतने ही टाइम में कंप्लीट करिए जितना कि एक नॉर्मल लाइव क्लास कंप्लीट होने में टाइम लगाता है. अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखें, एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक तो याद रहे दिमाग में, उसके लिए ये गलतियां मैंने खुद अपने इतनी सारी वीडियो क्लासेस में की थी, जिसकी वजह से जब मैं उसको रिवाइज करने बैठी तो मुझे वो वीडियो क्लासेस फिर से देखने की जरूरत पड़ गई. और ऐसा भी होता था कई बार कि जब हम स्पीड इंक्रीज करके देखती थी मैं, तो मुझे वो दोबारा से पीछे करके देखना पड़ता था, बिकॉज वो तो एकदम से फास्ट स्पीड में वो बोल के निकल गया और हमारा माइंड ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं किया, जिस वजह से कि मुझे फिर से पीछे करके देखना पड़ता था. अभी अब जो टीचर्स बहुत स्लो पढ़ाते हैं उस केस में आप 1x तक करते हैं तो समझ में आता है, बट जो ऑलरेडी फास्ट है उसको तो बिल्कुल ही फास्ट नहीं करे, ठीक है. तो क्लासेस को जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश ना करें. जितना टाइम उसके लिए रखा गया है उसको उतना ही टाइम दीजिए. इसके लिए बेस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप लैपटॉप से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं क्लासेस, उस इक्विपमेंट को, उस टूल को आप दूर रखें अपने से, जिससे कि आप उसके पॉज बटन, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में ना बिल्कुल ही सक्सेसफुल ना रहे. अगर लैपटॉप आपसे दूर रहेगा तो अपनी जगह से आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे जब तक कि क्लास खत्म नहीं होगी. ये वाला ऑप्शन आप ट्राई करिए. नेक्स्ट मिस्टेक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि घर से बाहर कोचिंग क्लासेस लेने जाते हैं, भले ही ऑनलाइन हो या रिकॉर्डिंग हो या फिर लाइव क्लास हो. और ये मिस्टेक क्या है, नॉट बीइंग सो पंक्चुअल. आई नो कि मॉर्निंग में जिनकी क्लासेस होती है मॉर्निंग में बहुत नींद आती है, आप नींद को प्रेफर करते हैं क्लास में टाइम से पहुंचने से ज़्यादा. मैं खुद ये मिस्टेक कमिट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ. सो पंक्चुअलिटी को आपको मेंटेन रखना है. आप क्लासेस को मिस ना करें, क्लासेस में लेट ना पहुंचे, और क्लासेस को अर्ली लीव ना करें. ये तीन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, तभी आप क्लासेस जो ले रहे हैं, जो आपने फीस पे किया, उसका अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे. और क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी चाहिए, एक भी क्लासेस गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए, अंटिल एंड अनलेस आपकी कोई इमरजेंसी ना हो. सो क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी है, भले ही आपको लग रहा है कि वो वाला पॉइंट आपको आता है, वो कंसेप्ट आता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिर भी सारी क्लासेस अटेंड करनी है. उसके साथ ही आपको टाइम से क्लास पे पहुंचना है, आपको क्लास का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है. आई नो आप चलिए जल्दी उठकर क्लास पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद भी आपको क्लास में नींद आ रही है, तो उसके लिए आप अपने साथ ही, अपने आपके साथ जो भी पार्टनर है क्लास में, आपके साथ जो बैठा है सीट पर, आप उसको थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट करके एक दूसरे को हेल्प करिए. जब उसको नींद आ रही होती है आप उसको उठा दीजिए, आपको जब आएगी तो सामने वाला उठा देगा. तो इस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. मेरी खुद IDT की क्लास 6:30 पे होती थी, एयरलाइन की क्लासेस यू नो की 6:30 पे स्टार्ट होती है, हालांकि वो रिकॉर्डेड थी बट स्टिल 6:30 पे स्टार्ट होती थी. एंड मैं कभी भी 7 या 7:15 से पहले कभी नहीं पहुंची रियली. होता है कि आपको डांटने वाला तो कोई होता ही नहीं है, ना ही टीचर लाइव है, ना कोई कुछ कहते हैं, तो इसीलिए आप अपनी वो गलती को कंटिन्यू रखते हैं, जिसका रियलाइजेशन आपको उस टाइम नहीं होता. जब आप फाइनली 6 months की लीव में बैठते हैं ना प्रिपेयर करने, तब आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी है. आप अपनी क्लासेस को, अपनी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो फिर उसके लिए जरूर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखें. कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप हमेशा ढूंढ के रखें कि कल को अगर क्लास मिस करनी पड़ गई या जल्दी छोड़ के जाना पड़ गया या फिर कल को गलती से लेट हो गए, तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है आपके पास, वो आप हमेशा ऑल्टरनेटिव प्लान करके रखें. और क्लासेस को बिल्कुल टाइम से ही ज्वाइन करें, बिकॉज अगर आप आधा घंटा या 20 मिनट या 50 मिनट आप लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो वो 50 मिनट आधे घंटे का जो कंसेप्ट होता है ना, वो बिल्कुल निकल चुका होता है. हालांकि आपको लगता है कि वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, बट आजकल देखा है मैंने, मेरी क्लास में भी होता था ये, जब मैं SFM की क्लास लेती थी, तो जैसे कि सर थे उनको पता था कि हाँ चलो नींद आती है बच्चों को तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते थे कि जो उन्होंने लास्ट डे का होमवर्क दिया होता था वो उस 20 मिनट्स जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास होती है उसमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया करते थे, ताकि अगर कोई बच्चा लेट से ज्वाइन कराए तो एटलीस्ट उसका कंसेप्ट को मिस ना हो. और आप माने ना माने, पंक्चुअलिटी है की सक्सेस फैक्ट. सो डोंट टेक योर क्लासेस फॉर ग्रांटेड एंड अपनी क्लासेस को आप पहली प्रायोरिटी दीजिए. नेक्स्ट मिस्टेक है एक अच्छी क्लास नोटबुक ना बनाना.
जब हम स्कूल डेज में होते थे तो हम अच्छी सी कॉपी प्रिपेयर करते थे हर क्लासेस के लिए, एकदम डेकोरेटेड नोटबुक प्रिपेयर करते थे, वैसे ही क्लास नोट्स आपको अपने सीए फाइनल या फिर सीए आईपीसीसी की स्टडीज के दौरान भी बनाना है। जब तक मैं आईपीसीसी में थी तब तक मैंने बहुत अच्छे से नोटबुक मेंटेन करी थी अपनी सारी क्लासेस की, सारे सब्जेक्ट्स की, बिकॉज हाँ टाइम होता था उस टाइम, बट यस फाइनल में हम आर्टिकलशिप भी कर रहे होते हैं और क्लासेस भी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास टाइम कम बचता है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप जब क्लासेस कर रहे हैं, जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप साथ के साथ ही अपनी नोटबुक को एकदम फर्स्ट क्लास बना के रखिए। उसको आप जैसे डिफरेंट पेन कलर्स के पेन को यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ करिए, हालांकि आप फाइनल में है तो आप दो तीन मैक्सिमम कलर पेन्स का यूज़ करें, ब्लैक ब्लू एंड जो भी नेक्स्ट फेवरेट कलर है आपका वो यूज़ करिए। सो इससे ज़्यादा कलर आप यूज़ ना करें नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। सो गोल हेयर इज टू प्रिपेयर अ गुड क्लासबुक नोटबुक जिसको बाद में आप पढ़ें ना तो देख के पढ़ने का मन करे, आलस ना आए उसको देख के, आपको चीज़ें समझ में आए जब अपनी नोटबुक आप खोल के बैठे तो। सो देखिए चाहे थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, आपको दोनों के लिए एक अच्छी सी नोटबुक मेंटेन करनी है। आप जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं क्लास के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि क्लास के साथ साथ आपसे नहीं हो पा रहा है तो कुछ कुछ चीज़ें तो हो सकती है ना, अगर हर चीज़ नहीं हो सकती है तो जो चीज़ें नहीं हो सकती आप उसके लिए वहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए और क्लास के बाद उसको कंप्लीट कर लीजिए या फिर घर पे जाने के बाद कंप्लीट कर लीजिए, इतना थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं आप। और जो आप स्पेस छोड़ रहे हैं ना उसको कंप्लीट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ आपको, जब मैं एसएफएम की क्लासेस कर रही थी तो वो हमारी लाइव क्लासेस थी एक्चुअली, तो उस टाइम इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता था, हालांकि कोशिश कर रही थी कि नोटबुक अच्छे से मेंटेन करूँ। स्टार्टिंग में किया था कोशिश, स्टार्टिंग में चला, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एक बार दो बार मिस किया उसके बाद वो मिस होता गया, और उसके बाद जो स्पेस छोड़ती थी वो कभी मैंने आगे चल के किया ही नहीं। उसके बाद जब मैं फाइनली प्रिपेयर करने बैठी ना 6 महीने के लिए पेयर क्लासेस ओवर वगैरह होने के बाद, बिकॉज जैसे ही एक क्लास ओवर होगी वैसे ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो कहाँ टाइम मिलेगा वो पिछली क्लास को रिवाइज करने का और वो नोट्स को कंप्लीट करने का। नहीं तो थ्योरी की क्लास में दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि आप जो भी थ्योरी लिख कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उस टाइम आप हिंदी में या फिर अपने शब्दों में इन योर ओन वर्ड्स आप वहाँ पर लिख लें पेंसिल से या पेन से, जैसे भी, जैसे कि हमें वीजी सर अपने डीटी की क्लासेस में करवाते थे तो वैसा आप कुछ कर सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी आपको नोटबुक मेंटेन करवा रहा है तो आप उसको अच्छे से अच्छे से नोटबुक को प्रिपेयर करिए, जैसे कि हम आईपीसीसी की क्लासेस के टाइम में करते थे। मेरी आईपीसीसी की नोटबुक आज भी रखी है और मतलब देखती हूँ तो हाँ आज भी पढ़ने का मन करता है, बिकॉज इतने अच्छे से उसको चार्ट एंड टेबुलर फॉर्म सब कुछ मैं अच्छे से यूज करके बना रखा है। सो यूज अ गुड क्वालिटी नोटबुक एंड ट्राई टू कीप योर नोट्स कंप्लीट ऑल द टाइम। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो आपको हर कोई बताता है और आपको खुद भी पता है कि आप कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिवाइजिंग योर क्लासेस एंड नॉट डूइंग योर होमवर्क एवरी डे। सो आप जब भी क्लासेस अटेंड करके आते हैं तो आपको उसको रिवाइज जरूर करना है। कि स्कूल डेज में क्या होता था कि हम क्लास में फर्स्ट डे पढ़ते थे, उसके नेक्स्ट डे हमसे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसकी वजह से हमें डेली रिवाइज करके आना होता था कि कभी भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, डर रहता था हमेशा हर टाइम कि कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, इसलिए हम उसको खुद से ही रिवाइज करते रहते थे। और उसके बाद यूटी भी होते थे आपके हाफ ईयर और पता नहीं तरह तरह के एग्जाम्स तो होते रहते थे, जिस वजह से ना वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती थी, याद हो जाती थी। बट फाइनल में सीए की स्टडीज़ में ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कोई हमारे पर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है, जो करना है वो आपको करना है। सो क्लासेस को आपको रिवाइज करना है ताकि एटलीस्ट जो आपको पढ़ाया गया है आप वो उसे खुद से समझ सके कि आप क्या वो समझ पाए हैं जो आपको पढ़ाया गया है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना होमवर्क करना। जो भी फैकल्टी आपको होमवर्क देते हैं स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसको तो आपको जरूर से जरूर करना है। अगर 5 क्वेश्चंस दिए हैं तो 5 करके ले जाना है, एक भी क्वेश्चन उसको मिस नहीं करना है। तो अपना होमवर्क आपको जरूर से जरूर करना है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आप हो सकता है कि अभी ना समझे, जब खुद वो मिस्टेक कमिट करके रियलाइज करेंगे तभी आप समझेंगे। स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई होप कि अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो आप ये गलती अभी से करना बंद कर दें। डीटी की क्लासेस में जो एसएफएम में गलती करी थी उसी से सीखकर सोचा था कि डीटी की क्लासेस में वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो रिपीट हुई, बिकॉज जिस टाइम डीटी की क्लासेस हो रही थी उस टाइम ऑफिस में आर्टिकलशिप के टाइम में जो कंप्लायंस ड्यू डेट्स होती है वो आ चुकी थी, टैक्स ऑडिट का टाइम आ चुका था, जिसकी वजह से क्लासेस मिस करना और घर पे जाके होमवर्क ना करना, बिकॉज हम घर पे लेट पहुंचते थे, इस वजह से एक दो बार मिस हुआ तो वो बस मिस होता ही गया। इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि आप एक बार भी वो गलती ना करें जिससे कि वो आपसे वो गलती रिपीट ही ना हो, आप उस चीज़ के हैबिचुअली ना बने। सो आप खुद को रोकिए ये चीज़ ये गलती करने से, और शायद अगर ये मुझसे गलतियाँ नहीं होती तो मुझे एक और अटैम्प्ट नहीं लगता, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो चुका होता। सो डू योर होमवर्क एवरी डे, रिवाइज योर क्लासेस एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे रास्ते में ही क्यों ना हो अपने क्लासेस को रिवाइज करिए जैसे तैसे टाइम निकाल के, और तभी क्लासेस को अटेंड करिए। सो ये आपको करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज दैट यू आर अनक्लियर अबाउट योर ग्रुप्स, कि आपको एक ग्रुप एग्जाम देना है या फिर दोनों ग्रुप का एग्जाम देना है आपका जो कमिंग अटेम्प्ट है। अगर आप इस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में ही क्लियर नहीं होंगे तो उस हिसाब से आपकी जो क्लासेस और आपकी जो प्रिपेरेशन है वो भी नहीं होंगी। ये वाला पॉइंट डिसाइड करने के लिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, या आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप सिंगल देना चाहते हैं या दोनों ग्रुप देना चाहते हैं। एंड फाइनल में भी मुझे स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे दोनों ग्रुप देना है, बिकॉज मेरा आईपीसीसी में दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा शुरू से ये एम था कि मुझे दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैंने उसी हिसाब से क्लासेस इन ऑल सब कुछ करा जिससे कि दोनों ग्रुप हो जाए, एंड वो सब हुआ। बट दोनों ग्रुप फर्स्ट टर्म में क्लियर नहीं हुआ, बट उसके बाद भी आई वाज सो एडमेंट कि मुझे दोनों ग्रुप ही देना है, और आई रियली वांट कि मेरा दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाए। और
फ्रेंड सर्कल में यही अगेन डिस्कशन होता ही होता है, उसके बाद आपको सजेशन नहीं आता कि सिंगल ही। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक तरफ होता है नेगेटिव फोर्स और दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव फोर्स। सो माय पॉजिटिव फोर्स वाज हैवियर देन नेगेटिव फोर्स, जिसकी वजह से मैंने दोनों ग्रुप दिए और मेरे दोनों एक साथ क्लियर हो। पॉइंट हियर इज दैट कि इफ यू आर क्लियर इन योर हेड ना कि आपको दोनों ग्रुप लेके चलना है या फिर सिंगल ग्रुप देना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितने भी लोग कुछ भी कहे, दस तरह की बातें कहे, इफ यू आर क्लियर इन योर हेड तो आप करेंगे वही जो आप चाहते हैं एंड आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे दूसरों के बातों से या दूसरों के डिसीजन से। सो आप अगर क्लियर रहेंगे कि दोनों ग्रुप देना है तो आप उसी हिसाब से अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कितना टाइम में कौन सी क्लासेस करनी है, जिससे कि दोनों ग्रुप की क्लासेस मेरी ओवर हो जाए। और स्टार्टिंग से ही आपको यह भी क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने की जरूरत है या फिर किसका आपको सेल्फ स्टडी करना है। आप इतने मैच्योर तो हो ही चुके होते हैं आईपीसीसी करने के बाद कि आपको आइडिया लग जाए कि आप कौन सा सब्जेक्ट खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते होंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने का ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू जिनका आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बस आपको प्लान करना है आगे की चीजें। अगर अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर आगे चल के सोचेंगे ना, तो आपका वो वाला आगे वाला टाइम पीरियड जो कि आपको रिविजन में देना है वो आपका सोचने में वेस्ट हो जाएगा। तो सिंगल वर्सेज बोथ को आप अभी से क्लियर कर लें और किन फैकल्टी से क्लास लेना है, किन की क्लासेस लेनी है, सब्जेक्ट्स की किसकी सेल्फ स्टडी करनी है, वो अभी से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मिस्टेक हम जो कमिट करते हैं वो है कि हम दूसरों की चीज़ों को देख के इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगी आपसे दैट लर्न टू इग्नोर एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय अदर। सो स्पेशली आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब आप अपनी एग्जाम लीड्स पर हैं। आपको किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होना है, किसी की ट्रिप या फिर किसी की भी ट्रैवल ब्लॉग या फिर कुछ भी पिक्चर्स से, एक्साइटिंग पिक्चर्स से आपको खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है। एंड डोंट गेट जेलस। ओके, आपका टाइम आएगा व्हेन यू विल क्लियर योर एग्जाम्स या फिर जैसे ही आपके फाइनल्स हो जाएंगे। सो पढ़ते वक्त आपको घर में कोई कुछ भी कह रहा हो, किसी भी काम के लिए बोल रहा हो, लर्न टू इग्नोर। सो जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत सेल्फिश तो होना पड़ेगा अपने लिए। पॉइंट हियर इज टू कन्वे यू दैट कि आप अपने आप को स्टडीज में, अपनी प्रिपरेशन में इस तरीके से खो दीजिए कि आपको कुछ और सुनाई ही ना दे। आप खुद को इतना डुबा दीजिए कि आपको कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है या फिर कोई भी कुछ भी कर रहा है, आपको उससे फर्क ही ना पड़े। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है कि जब आप अपने एग्जाम लीव्स में हो तो आपको कुछ और बिल्कुल नहीं सोचना है। नथिंग एल्स मीन्स नथिंग एल्स एक्सेप्ट एग्जाम। व्हेन यू हैव सो मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली तो आपके लिए डिस्टर्बेंस होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उस केस में जो मेरा पहला पॉइंट था कि लर्न टू इग्नोर, वो आपको सीखना पड़ेगा। उस टाइम में आपके पास डिस्टर्ब करने के लिए, आपको इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई नो कि फैमिली मेम्बर्स बाहर टीवी देख रहे होंगे लेकिन आप टीवी नहीं देख सकते, आपको उसकी आवाज़ नॉइस क्रिएट कर रही है स्टडी के टाइम पे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है, आप लाइब्रेरी में जाकर अगर पढ़ सकते हैं तो फिर पढ़िए। ये आपकी चॉइस है कि आप घर में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू घर, वो आपकी खुद की चॉइस है। आई वॉज अ पर्सन जिसे उस टाइम एग्जाम लीव्स के टाइम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो फिर मैंने सोचा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करके देखती हूँ। तो कुछ दिन लाइब्रेरी गई, उसके बाद आई रियलाइज कि आई एम नॉट अ पर्सन जो कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सके। मुझे शुरू से ही घर में पढ़ने की आदत थी, चाहे कितना भी नॉइस कुछ भी हो रहा हो। एंड आई नो कि अगर फैमिली मेम्बर्स बड़े हैं तो ऑफकोर्स दे विल बी अंडरस्टैंडिंग, वो समझ सकते हैं, तो आप उनसे डिस्कस करके आप कर सकते हैं अपनी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट। वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो आपका एग्जाम लीव्स टाइम होता है उसको आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है उसमें। आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, थोड़े टाइम का सेक्रीफाइस आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। चाहे कोई फेस्टिवल आ रहा हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, आपको इग्नोर करना है, आपको कुछ नहीं करना है अदर देन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। ये मिस्टेक मैंने खुद कमिट किया था जब मैं 6 मंथ्स की एग्जाम लीव पे गई थी। तब स्टार्टिंग में लगता है कि अभी टाइम है, अभी और टाइम है, तो कुछ ना कुछ अदर फालतू की चीज़ें करते रहते थे, जैसे कि टीवी देखने बैठे घर वाले तो फिर आप भी आ गए टीवी की आवाज़ सुनकर। तो ये गलतियाँ जो स्टार्टिंग में करते हैं, फिर जब मंथ जैसे जैसे छुट्टियाँ कम होने लगती हैं वैसे वैसे आपको रियलाइज होता है कि ओ शिट ये क्या कर दिया। तो इसीलिए आपको अपना जो स्टडी प्लान है, अपने जो स्टडी करने का तरीका है, उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है ऑल ओवर 6 मंथ। और जब आप एग्जाम लीव्स में है ना, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पहले से ही अगर आप इस तरीके का अपना डेडिकेशन शो करेंगे ना अपनी स्टडीज़ के लिए, तो वो फैमिली मेम्बर्स आपको स्टार्टिंग से ही फिर सपोर्ट करेंगे। सो ये थे जो मेन पॉइंट्स जो कि मैं बताना चाहती थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अब इसके बाद जो पॉइंट्स है वो हर कोई बताता है, बिकॉज हर कोई ये कमिट कर चुका है मिस्टेक। सो ये जो है मैं बोलने वाली हूँ वो कॉमन पॉइंट्स हैं, एंड दोज थिंग्स आर: नंबर 1, हैव अ प्रॉपर प्लान एंड स्टिक टू योर प्लानिंग टिल द एंड ऑफ एग्जाम्स। नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो स्टडी हो, या फिर आपको होमवर्क करना हो या रिवाइज करना हो, हर चीज़ में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। नंबर 3 इज रेफरिंग लॉट्स ऑफ नोट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। सो आपको मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल नोट्स रेफर नहीं करना है, मल्टीपल क्लासेस भी रेफर नहीं करना है, स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है और उसके साथ एक रेफरेंस बुक, बस इतना ही करना है आपको। नंबर 4 इज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखना है और आरटीपी को जरूर गो थ्रू करना है, एंड उसके साथ ही आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लिखना है। एंड लास्ट 1 वी हैव इज अवॉइडिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो अवॉइड करना ही है, उसके साथ आपको यूट्यूब भी अवॉइड करना है। अगर आपके पास आपके जो कंसेप्ट्स है और नोट्स है वो क्लियर है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर है नोट्स, तो आपको यूट्यूब रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना इफेक्ट कम होंगे, आपका टाइम उतना सेव होगा, आपके जो प्लान है वो अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
और इसी के साथ मेरे सारे पॉइंट्स हो गए हैं कवर एंड वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो सून। टिल देन टेक केयर। बाय।